हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। मैं सुरेंद्र कुमार राय, आपका अपने हमारे स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे जयप्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आइए जो है कि इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि होती है वो कितने चरणों में होती है। तो हमने आपको बता दिया कि जो फोटोसिंथेसिस होता था, प्रकाश संश्लेषण होता था, ये एक प्रकार का क्या था, जैव रासायनिक क्रिया थी, जिसमें पौधे क्या करते थे, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को और भूमिगत जल को क्या करते थे, अवशोषित करके प्रकाश यानी परडहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते थे, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते थे और क्या करते थे जो है कि ऑक्सीजन को सह उत्पाद के रूप में क्या कर देते थे, बाहर स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते थे। तो वो तो प्रकाश संश्लेषण की बातें थी। आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कितने चरणों में होती है, दो चरणों में होती है। कितने चरणों में, दो में। ठीक है दोस्त, एक को हम कहते हैं क्या, एक को कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशी अभिक्रिया, या इसी को कहते हिल अभिक्रिया। क्या कहते दोस्त, हिल रिएक्शन, हिल हिल रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा आपका आता है अप्रकाशी अभिक्रिया। ठीक है दोस्त, क्या आता है, अप्रकाशी अभिक्रिया। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन। क्या कहते हैं, जो है ब्लैक मैन। ठीक है दोस्त, क्या कहते हैं, ब्लैक मैन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक मैन अभिक्रिया। ठीक है दोस्त, इसे क्या कहते हैं, ब्लैक मैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ब्लैक मैन अभिक्रिया कहते हैं। और इसे आप जो है कि एक और कह सकते हैं, C3 साइकिल के नाम से जान सकते हैं। किसके साइकिल से, C3 साइकिल के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है कि ये आपका देखेगी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है ये कितने चरणों में होगी, दो चरणों में। एक तो हो गया प्रकाशीय अभिक्रिया, एक हो गया अप्रकाशीय अभिक्रिया, ब्लैकमैन रिएक्शन या फिर जिससे हम कहते हैं C3 रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए हम जो है कि पहला लेट स्टार्ट करते हैं आज, जो है कि प्रकाशीय अभिक्रिया। क्या दोस्त, यह है प्रकाशीय अभिक्रिया, जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो है कि लाइट रिएक्शन। ठीक है दोस्त, ठीक है, लाइट रिएक्शन, या हम आपको बताए थे इसी को क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन। ठीक है दोस्त, क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं। तो जो ये प्रकाशीय अभिक्रिया है, जो ये प्रकाशीय अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन या जिसे हिल रिएक्शन हम कह रहे हैं, इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लाइट अभिक्रिया है, लाइट अभिक्रिया है, प्रकाशीय अभिक्रिया इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, इस अभिक्रिया में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं जो है यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कहाँ होती है दोस्त, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, या आप इसे ये कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये क्या होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, या फिर इसे कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो और देखिए दूसरी बात इसे कि इसे हिल रिएक्शन क्यों कहते हैं, हिल रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इसकी जो खोज है, सर्वप्रथम इसकी जो खोज है, उस खोज को सबसे पहले किसने देखा था, सबसे पहले
इस क्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? यहाँ पर लिख दीजिए दोस्त, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट हिल। ठीक है दोस्त, क्या नाम है? रॉबर्ट हिल। ये साइंटिस्ट है रॉबर्ट हिल ने इस अभिक्रिया को सबसे पहले क्या किया था? देखा था। क्या किया था? देखा था। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम दूसरा क्या दे दिया गया था? हिल रिएक्शन भी दे दिया गया था। ठीक है दोस्त, तो ये जो अभिक्रिया होती है, जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया ये कहां हरित लवक के किस में होती है? ग्रेना में होती है। कहां होती है दोस्त? ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है ये हरित लवक की ग्रेना में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया है, ठीक है दोस्त, जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो जो है हरित लवक के कहां होती है? ग्रेना में होती है। कहां होती है दोस्त? ग्रेना में होती है। ठीक है, ये कहां होती है? हरित लवक के ग्रेना में होती है। तो ये आपके जो है कि तीन पॉइंट्स क्या हो गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया इसलिए कहते क्योंकि यह जो अभिक्रिया है ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस अभिक्रिया को सबसे पहले रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या दे दिया गया था? हिल रिएक्शन दे दिया गया। जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के कहां होती है? ग्रेना में होती है। ठीक है, कहां होती है? ग्रेना में होती है। अब देखिए, जो ये अभिक्रिया है, जो प्रकाशीय अभिक्रिया हम जिसे कहते हैं या जिसे हम हिल रिएक्शन कहते हैं, जो है कि इन्हें निम्नलिखित चरणों में क्या किया गया है, जो है कि बनाया गया है। तो आइए दोस्त इनके बारे में हम जानते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो दोस्त अगर हम बात करते हैं जो है कि पॉइंट पहले की, तो यहां पर हम बात करते हैं पॉइंट पहले की, तो पॉइंट पहले में क्या होता है? पॉइंट पहले में क्या होता है कि जो इसमें जो हरित लवक होता है, जो पौधों का क्या होता है? ग्रेना वाला भाग होता है, उसमें क्या होता है? जब ये प्रकाश इस पर पड़ता है, जब इस पर क्या होता है? प्रकाश पड़ता है, तो ये क्या आ जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, यहां पर लिखते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में, किसमें? उपस्थिति में, प्रकाश उपस्थिति में जो क्लोरोफिल के क्या होते हैं? क्लोरोफिल अणु होते हैं। ठीक है दोस्त, वो क्या आ जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो जो सबसे पहला पॉइंट है ये प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे ही प्रकाश क्या आता है जो है कि पौधों की पत्तियों पर पड़ता है, तो उसमें जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, हो जाने के बाद क्या करते हैं जो है कि एडीपी से, किससे? एडीपी से किसका निर्माण करते हैं? एटीपी का निर्माण करने लगते हैं। ठीक है दोस्त, क्या करते हैं? एडीपी से एटीपी का निर्माण करने लगते हैं। तो ये जो अपन एडीपी है जिसको हम कहते हैं एडीनोसिन डाइफॉस्फेट, से इसका निर्माण होता है, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होने लगता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए क्या होता है दूसरी बात, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो जो दूसरी बात है, अब देखिए जो सक्रिय क्लोरोफिल के अणु होते हैं, जो सक्रिय, ठीक है, सक्रिय जो है क्लोरोफिल के अणु, ठीक है दोस्त, जो सक्रिय क्लोरोफिल के अणु होते हैं वो क्या करते हैं? H2O का प्रकाशिक अपघटन कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? H2O, जो ये सक्रिय क्लोरोफिल के अणु होते हैं, ये जो भूमिगत जल होता है, ठीक है, इसका क्या कर देते हैं? जो है प्रकाशीय अपघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रकाशीय अपघटन कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। ठीक है दोस्त, क्या कर देते हैं? इसे प्रकाशीय अपघटन करके इसे क्या करते हैं? H+ आयन और OH- आयन में क्या कर देते हैं? जब इनका क्या करतेंगे? प्रकाशीय अपघटन करेंगे, तो इसे क्या करेंगे? H+ आयन तथा
OH माइनस आयन में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं दोस्त, क्या कर देते हैं इसे, इसी H2O को जो भूमिगत जल होता है, इसी H2O को क्या करते हैं H+ आयन तथा OH- आयन में क्या कर देते हैं दोस्त, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। और अब देखिए तोड़ने के बाद क्या होता है, अब देखिए यहां पर अगर हम उसे क्या करते हैं, वो देखते हैं ये क्या है आपका 4H2O है, ठीक है। ये क्या है, जल के कितने मॉलिक्यूल है, जो है कि चार मॉलिक्यूल जल के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो है कि अगर हम इसे गिब्स करेंगे, गिब्स करेंगे तो ये किसके, संक्रिय क्लोरोफिल के उपस्थिति में, किसमें, उत्तेजित जो परहरिम होते हैं, जो उत्तेजित जो है परहरिम है, ठीक है, इसमें क्या बन जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा फोर जो है कि H+ आयन अलग हो जाएंगे और प्लस फोर जो है OH- क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यही जो है जो जल के मॉलिक्यूल्स है, यही उत्तेजित परहरिम क्या करते हैं, इसको H+ आयन और OH- आयन में क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं दोस्त, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अपन तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपका है, जब ये क्या करते हैं, जब जल के प्रकाशीय अपघटन से जो उत्पन्न होता है OH- आयन होता है, भाई आपने यहां क्या किया, जल का प्रकाशीय अपघटन कर दिया यहां पर, ठीक है, जल का प्रकाशीय अपघटन किया, इसमें क्या मिला आपको, H+ आयन मिला और OH- आयन मिला। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो प्रकाशीय अपघटन में जो हमें OH- आयन मिलता है, क्या मिलता है, जो प्रकाशीय अपघटन में हमको OH- आयन क्या करता है, प्राप्त होता है, तो यही क्या करता है, OH- आयन परस्पर जो है कि ऑक्सीजन के साथ मिल, जो है कि OH- आयन परस्पर क्या करता है, मिल करके क्या कर लेता है, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, गैस के रूप में क्या करते हैं, रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब ये जो आपका क्या है, यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स है, छह जो है OH- आयन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो प्रकाशीय अपघटन का, जो प्रकाशीय अपघटन के उपरांत जो हमें क्या मिला है, जो OH- है, ये क्या करता है, जल तथा ऑक्सीजन, जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है। अब देखिए ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अब देखिए यहां पर ये जो आपका क्या हो जाएगा, फोर OH- आयन होगा, जब इसका हम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है कि पहले तो इसका क्या होगा, संघनन होगा, क्या होगा इसका, संघनन, ठीक है, तो संघनन होगा तो क्या बन जाएगा, 2H2O बनेगा, क्या बनेगा, 2H2O बनेगा, और प्लस ऑक्सीजन जो होगी वो क्या, कहां से बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन जो O2 है ये सह उत्पाद के रूप में बाहर जाएगी, और किसके द्वारा, जो है रंध्र के द्वारा, रंध्र के द्वारा ये कहां जाएगी दोस्त, बाहर निकल जाएगी, ठीक है दोस्त, ये रंध्र के द्वारा कहां चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब देखिए हम बात करते हैं, अब जो जल का जो प्रकाशीय अपघटन होता है, ठीक है, जो जल का प्रकाशीय अपघटन हुआ है, इसे हम दोस्त मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, इसमें हम देखेंगे ये कि जब जल का क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन से जो मुक्त होता है, और लास्ट पॉइंट जो है, जो जल के प्रकाशीय अपघटन से प्राप्त जो H+ आयन होता है, ठीक है, H+ आयन, क्योंकि जब जल का अपघटन आप किए थे तो इसे आप क्या किए थे, दो भागों में अपघटित करते थे, एक तो था क्या H+ आयन, ठीक है, और दूसरा प्लस क्या था OH- आयन, और ये मिला किससे था, ये किससे मिला था H2O से, किससे मिला था, सॉरी किससे मिला था, H2O से मिला था, जब इसका जलीय अपघटन हुआ, प्रकाशीय अपघटन हुआ, तो ये क्या हो गया H+ आयन और OH- आयन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, ठीक है। अब देखिए जो H+ आयन होता है, ये आयन प्रोटान ग्राही, ये क्या होगा, आयन प्रोटान ग्राही को क्या करेगा, ये क्या है एक प्रकार का आयन जो है प्रोटान ग्राही, ठीक है, NADP, ठीक है, किसको, NADP को जो है NADPH2 में क्या कर देता है, अपचयित कर देगा, क्या कर देगा, NADPH2 में अपचयित जो है कर देता है, ठीक है दोस्त, क्या कर देता है, NADPH2 में क्या कर देता है, अपचयित
कर देता है, ठीक है, NADPH2 में क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे पास आउट होने लगते हैं, बाहर पास आउट होने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, इस जो है मुक्त ऊर्जा को क्या होता है, ATP के अणुओं में एक जो है उच्च ऊर्जा फास्फेट बंध के रूप में क्या होता है, ATP के साथ क्या जाता है, संचित हो जाता है। तो यहां पर अगर हम इसे क्या करते हैं, यहां पर देखिए जो 4 आपका H+ आयन है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है आपका, पहले क्या होगा, H+ आयन होगा, ठीक है। H+ आयन क्या करेगा, H+ आयन प्लस NADP, ठीक है, क्या आ जाएगा, NADP, ये क्या होगा, जब संक्रिय होता है, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, NADPH2, ठीक है, क्या बना लेगा, NADPH2 बना लेता है। और NADPH2 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है, NADP के कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब देखिए और क्या आता है, यहां पर ADP और प्लस क्या आ जाता है, इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है, इससे क्या बन जाता है आपका, ATP का निर्माण हो जाता है, ठीक है, किससे हो जाता है, ATP का निर्माण हो जाता है। तो ADP से ATP बनने की जो क्रिया है दोस्त, ADP से जो ATP बनने की क्रिया है, इस फंक्शन को क्या कहते हैं, फोटो फास्फो रिलेशन, ठीक है दोस्त, क्या कहते हैं, फोटो फास्फो रिलेशन कहते हैं, ठीक है। जब अभी किसमें, ADP से क्या होता है, ATP का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहते हैं, फोटो फास्फो रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, जो प्रकाशीय अभिक्रिया है ये पूरी तरह से क्या होगी दोस्त, कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसे आप क्या करिएगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त आप हमारे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये अपना प्रकाशीय अभिक्रिया पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसके लिए, अप्रकाशीय अभिक्रिया है, ब्लैकमैन्स अभिक्रिया है, जिसे हम कहते हैं C3 साइकिल, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप हमारे वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, धन्यवाद।